ये जोजी की मशीन है, मॉडल नंबर है 9513। तो इसका जो है सेटल हीट हो रहा है, तो सेटल हीट हो रहा है, तो अभी इसके लिए हम देखते हैं क्या करने का है। आगे वीडियो देखते रहिए, बताते हैं हम हीटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहले हम मेटल प्लेट खोलेंगे, पहले इसका प्लेट खोल लेंगे। अभी तेल चेक करने के लिए हमको इसका सेटल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सेटल खोल लेंगे, फिर उसके बाद इसे ऑयल चेक करेंगे। तो हमने अभी सेटल खोल लिए हैं, तो अभी ये जो स्क्रू दिख रहा है ना रॉड में, ये खोल के हम चेक करेंगे तेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम ये स्क्रू पहले खोल लेते हैं। ये स्क्रू खोलने के बाद अभी हम मशीन चला के देखेंगे कि ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने अभी स्क्रू कर लिया हूँ, तेल सप्लाई चालू है, ठीक है। एक्चुअली इसका पंप का सप्लाई बंद था, इसके लिए जो है सेटल तेल नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको अभी फिर से सेटिंग करते, तो अभी हम इसको ये स्क्रू लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको साफ नहीं किए, स्क्रू हमारा टाइट हो गया है, तो अभी हम इसका सेटल का सेटिंग मिला लेते हैं। तो अभी हम इसका सेटल मिला लेंगे, ठीक है। तो यदि कोई नीचे जाके जब ऊपर आने लगेगा तो इसका जो है कौन से पॉइंट हाँ, तो हमने सेटल अभी मिला लिए, देखो ना ज़्यादा टच है ना ज़्यादा गैप है, ठीक है। और देखिए सुई के खांचे के बीचों बीच से जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सेटल का टाइमिंग हमारा हो गया, अब दात्री प्लेट हम बांध के फिर उसके बाद सिलाई मार के देंगे। ये हमारा मशीन रेडी हो गया, अब हम इसका सिलाई चेक करेंगे। चलिए बस इतना ही, आगे का और वीडियो चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ पूछना है या मशीन रिपेयरिंग करना है तो इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।